दर्शकों नमस्कार। आज मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में जब आप प्रोग्रेस करते हैं, मतलब ज़्यादा मेडल लाएंगे, बाइक लेंगे, गाड़ी लेंगे, कोई भी प्रोग्रेस करेंगे बिजनेस में, आपकी क्रिटिसिज्म बढ़ जाएगा समाज में। बिकॉज हर कोई तरक्की नहीं करता, और तरक्की करने वाले के पीछे लोग लग जाते हैं, उससे इंस्पिरेशन बहुत कम लोग लेते हैं, ये बात समझ लेना। तो उसको गाली देने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी थोड़ी सी बॉडी बनेगी जिम में, बोलेंगे हाँ भाई क्या कर रहा है, ये कर रहा है, आपको डिस्करेज करेंगे, हाँ भाई ये तो पहलवान बन रहा है, आप तो ये। मुझे भी बचपन में ऐसे लोग करते थे। जब भी आपका क्रिटिसिज्म आए, और होता क्या है, लोग उसमें जिम छोड़ के बैठ जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, लोगों से डर जाते हैं। लिसन, क्रिटिसिज्म इज अपॉर्चुनिटी टू प्रूव एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। जब आपको किसी ने क्रिटिसिज्म किया, अगर आपने हार मान ली, दीवार खड़ी कर ली, फिर तो उसके पार कुछ दिखेगा ही नहीं। उस ऑब्स्टिकल को क्लियर करो, वो एक अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास अपने आप को प्रूफ करके आगे जाने। और प्रूफ में जब आप प्रूफ कर दोगे कि मैं हाँ मैं ये दीवार बांधूंगा, तुमने मुझे गाली दी, मैं उससे बेहतर करूँगा। एक गाली का जवाब है चक्कू मार देना, सिर फाड़ देना, ये नहीं। एक है उसको प्रैक्टिकली अपने क्रिटिसिज्म को खत्म कर देना, प्रूफ करके। क्योंकि मेरा मुकेश का, मैं सबसे क्रिटिसाइज्ड आदमी हूँ इस दुनिया का, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को प्रूव करने पड़ा, फैमिली वाइज, दोस्तों वाइज, सर्कल वाइज, हिंदुस्तान में द्रोणाचार्य मिलने को भी मुझे प्रूफ करना पड़ा, है आज तक प्रूफ कर दो, मुकेश जी भी करना पड़ा, आज भी कर रहे हैं, आज आपका प्यार पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी टू प्रूव एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। कभी भी घबराए नहीं, जब भी ये अपॉर्चुनिटी आए, कोई गाली दे, आप खड़े होकर जवाब दीजिए। देखिए, अब आप बोलेंगे ये तो ट्रेनिंग का चैनल है और बातें ही हो रही है, ये बातें सारी एक बड़े चैंपियन को बनाती हैं, ये उसका स्पोर्टिंग सिस्टम है हमारा। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं दिए जाते, बंदे को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग दोनों बनाते हैं, ताकि वो जीवन में खड़ा रहे, और मुकेश जी सुरेंद्र जैसा और हमारे पुराने चैंपियंस हैं उनकी तरह खड़ा रहे। मेंटल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेंटली टफ लोग जो हैं वो बहुत आगे जाते हैं, फिजिकली टफ वे भी हार गए, पर मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। तभी आप बार बार, जब भी गिरो उठ के खड़े हो जाओ, एवरी डे इज अ न्यू डे, फिर खड़े हो जाओ, फिर खड़े हो जाओ, गिरो फिर खड़े हो, फिर दुनिया बहुत बहुत बड़ी है। अभी तो आप कुछ लोग तो मुंबई तक नहीं जाते, किसी ने गुजरात, मैंने नहीं देखा पूरा गुजरात, आज तक मैं पांडिचेरी नहीं गया, तो मैंने क्या देखा। अगर कुछ देशों में मैं चला भी गया, लेकिन दुनिया नहीं देखी। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, अच्छी सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, क्रिटिसिज्म का जवाब प्रैक्टिकली दो, यही आपकी लाइफ का बहुत बड़ा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।